Hello friends, this video is for class 4, subject computer and chapter number 5. Chapter number 5 is Introduction to Microsoft Word 2016. इसमें हमने last video में जो इसके Microsoft Word interface के components से हमने last video में पढ़ लिया थे, इसका description भी पढ़ लिया था। अब आगे इसमें क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं हम, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जो हम वर्क मेन वर्क जो लिखने का कार्य है वो कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट अपना कैसे बनाते हैं। टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट यू सिंपली स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट फ्रॉम द वर्कशॉप पोजिशन। जैसे ही हम ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस निकल के आएगा उसमें स्टार्टिंग में कर्सर मिल जाएगा आपको, जहां कर्सर आपको दिख रहा है उसी पोजीशन से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट द कर्सर डिफॉल्टली कर्सर आपको उसके जो वर्क एरिया पे मिल जाएगा आपको। ए ब्लैंक वर्टिकल लाइन इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये कर्सर ऐसे ब्लैंक रहेगा जहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ऐसी लाइन ब्लैंक रहेगी। इसका मतलब जहां पे आप कर्सर स्टार्ट लिखना स्टार्ट करोगे ये स्टार्ट हो जाएगा लिखना, अगर बीच में आपको जल्दी चलेगा तो चलेगा, स्टार्टिंग आ रहा है तो बाई डिफॉल्ट ये आपको कर्सर दिख जाएगा। इस प्लेस इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड मूव्स लेफ्ट टू राइट विद ईच सिलेबल व्हाइल टाइपिंग, ये आपको कर्सर जैसे ये पेज है हमें स्टार्टिंग है तो यहाँ पे कर्सर क्लिक करेगा आपको, आराम से लिखना आप स्टार्ट कर लीजिए तो प्लीज दिस इज ऐसे करके ये लिखता चला जाएगा और ये लेफ्ट टू राइट आपको ये दिखेगा। आगे इसमें ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड, तो यू कैन ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय क्लिकिंग फाइल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट और बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंड की। जैसे आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप जाके सीधे जैसे आपने बनाया फ्यूचर यूज के लिए अगर आपको यूज करना है तो सेव करना पड़ेगा। टू स्टेप, द स्टेप टू सेव डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोस, अब इसके स्टेप्स भी जो है उनको फॉलो करना है और आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो क्लिक वही फाइल वाले जहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसी ऑप्शन के द्वारा जाएंगे फाइल पे, फाइल से ऑप्शन सेव सेव ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे वहाँ से आएगा फिर ड्रॉप द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपको एक सेव एज डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा। इफ यू आर सेविंग द फाइल फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो सेव एज ऑप्शन निकल के आएगा, आपकी फाइल पहले सेव है कुछ आपने उसमें ऐड किया तो आप सिंपल सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में सेव करना है फर्स्ट टाइम तो सेव एज वाले ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज वाले ऑप्शन में जाके उसकी लोकेशन ढूंढेंगे कहाँ आप कहाँ आपको सेव करनी है, लोकेशन को बता देंगे और नाम दे देंगे उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट, जैसे नाम दे दिया फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका नाम दे सकते हो और नीचे सेव एज टाइप अपने आप वर्ड डॉक्यूमेंट और डिफॉल्ट दिखाएगा, कुछ नहीं करना है और जाकर उसको फिर सेव क्लिक कर देंगे बट वो सेव हो जाएगा। ऐसे आपने कोई फाइल बनाई है डॉक्यूमेंट बनाया उसके बाद कहाँ जाएंगे आप फाइल वाले ऑप्शन पे, फाइल वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, फाइल वाले ऑप्शन से क्लिक करेंगे सेव एज वाले ऑप्शन को, सेव एज डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा उसमें आप फाइल नेम के नीचे फाइल नेम कोई भी नाम दे सकते हैं आप और जो सेव एज टाइप भी अपने
यहां से आपकी लोकेशन ढूंढ सकते हो। जैसे आप एसपीसी में जाके कौन सी ड्राइव में सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप में करना चाहते हो या डाउनलोड वाले फोल्डर में करना चाहते हो, म्यूजिक वाले में, पिक्चर वाले में, किस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो, उसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नाम दे देंगे और सेव का ऑप्शन दबा देंगे, आपकी जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट फाइल है वो सेव हो जाएगी। आगे इसमें क्लोजिंग का डॉक्यूमेंट, अब ये जो आपने एप्लीकेशन खोल रखी है उसको क्लोज कैसे करेंगे। टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए वही द्वारा फाइल में जाएंगे और वहां से क्लोज वाला ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। दिस विल क्लोज द डॉक्यूमेंट ओनली इफ वांट टू कम आउट फ्रॉम द एप्लीकेशन एज वेल, क्लिक द क्लोज बटन। ये फाइल वाली क्लोज हो जाएगी अगर आपने फाइल में जाके क्लोज ऑप्शन दिया कर दिया तो। अगर आपको बिल्कुल बाहर जाना है यानी कि मेन स्क्रीन पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज बटन होता है इसमें जो आपने विंडो खोल रखी है उसमें क्लोज बटन आएगा, यहाँ साइड में आता है, उसको क्लिक करके आप बाहर जा सकते हैं। इन बोथ द सिचुएशन माइक्रोसॉफ्ट विल आस्क फॉर सेविंग योर वर्क इफ इट इज अनसेव्ड। अगर आपने सेव नहीं किया है तो आपको बंद करने की कंडीशन में आपको पूछेगा कि आपको सेव करना है वर्क या नहीं करना है। क्लिक यस टू सेव फाइल, अगर आपको फाइल सेव करनी है तो यस दबा दीजिए, अदरवाइज नो, नहीं तो नो दबा दीजिए, फाइल आपकी सेव नहीं होगी। ठीक है, आगे अब ये तो चीजें आप नई नई फाइल बना ली, सेव कर ली। अब जैसे आपने कोई फाइल बनाई हुई थी और उसी को आपको खोलना है तो वो कैसे करेंगे आप। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल यानी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पहले से एग्जिस्ट करता है, उस डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है। तो यू वांट टू वर्क ऑन योर डॉक्यूमेंट दैट इज सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर, जो डॉक्यूमेंट आप वर्क कर रहे हैं जो आपके कंप्यूटर में सेव है, यू नीड टू ओपन इट। अगर आपको उसको खोलना है तो स्टेप टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोज, इसके दो स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो करके आप डॉक्यूमेंट जो पहले सेव है उसको निकाल सकते हैं। ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन आप ओपन कर लेंगे। क्लिक फाइल ओपन ब्राउज द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, फाइल में जाकर ओपन करेंगे और ब्राउज में सर्च करना होता है, सर्च करेंगे हमारी फाइल कहाँ से है। लोकेट योर फाइल इन द लेफ्ट पेज एंड सिलेक्ट द नेम ऑफ फाइल टू बी ओपन, फॉर एग्जांपल सर्च डॉक्यूमेंट इन द राइट पेज। तो अपनी फाइल को लोकेट करेंगे, आपने कहाँ सेव की हुई है वहाँ जाएंगे, वहाँ से फर्स्ट डॉक्यूमेंट नाम से आपने फाइल सेव कर रखी थी उसको सर्च कर लेंगे। क्लिक द ओपन बटन द सिलेक्टेड फाइल अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और उसे ओपन बटन पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल आपके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखने लग जाएगी। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, तीन चार टॉपिक मैंने इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन तब तक आप इसे इतना रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।